हेलो, गुड आफ्टरनून एवरीवन। एक बार फटाफट सभी बच्चे जल्दी से कनेक्ट हो जाएंगे, फिर हम अपने सेशन को दोस्तों यहां पर स्टार्ट करते हैं। गुड आफ्टरनून एवरीवन। एक बार सभी बच्चे जल्दी जल्दी कनेक्ट हो जाएंगे, फिर हम अपने सेशन को भाई यहां पर स्टार्ट करते हैं। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, जल्दी जैसे आ जाइए सभी बच्चे। चलिए भाई, सेशन को हम स्टार्ट कर रहे हैं। एक बार सभी बच्चे, आप अपने जितने दोस्त हैं, फ्रेंड सर्किल है, उन सभी को दोस्तों एक बार शेयर कर देंगे। आज का जो सेशन हम स्टार्ट कर रहे हैं वो हमारा कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, जो PYQ चल रहे हैं CSIR नेट की सीरीज के, तो उसमें पार्ट जो है हमारे रहने वाला है वो पार्ट 7 है। आज का जो सेशन है वो पार्ट 7 सेशन रहने वाला है। 6 पार्ट जो है वो ऑलरेडी मैंने डिस्कस कर दिए है, तो आप सभी बच्चे जरूर जाकर के, जिसने भी नहीं देखे वो लेक्चर, तो जाकर के लेक्चर्स को जरूर देखे। जितने भी हमारे पास यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हुए हैं 2011 से लेकर के 2023 तक, जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे वो सारे के सारे क्वेश्चन हम एवरी टॉपिक की यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, GOC के हो चुके हैं, एरोमेटिसिटी के हो चुके हैं, एसिड बेस केमिस्ट्री के हो चुके हैं, आपका पेरीसाइक्लिक के हो चुके हैं, कोऑर्डिनेशन चल रहा है, स्टीरियो केमिस्ट्री के हो चुके हैं, OMC चल रहा है, काइनेटिक्स के हो चुके हैं, क्वांटम चल रहा है, इंटरमीडिएट के हो चुके हैं। तो ये सारे टॉपिक्स के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो ऑलरेडी यहाँ पर हो चुके हैं, तो आप जरूर इन सभी सेशन को जरूर देखा करो, और आपको अपनी तैयारी को, अगर यहाँ पे आपको जरूर हेल्प मिलेगी। जितने भी हमारे पास अभी तो इनिशियली हम बात यहाँ पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं वो आपके चल रहे हैं यहाँ पर किसके जो मेजर टॉपिक है उनके। ठीक है, अभी कुछ टाइम बाद जैसे जैसे मेजर टॉपिक कंप्लीट हो जाएंगे तो हमारे हम जितने माइनर टॉपिक बचेंगे उन सभी के भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप लोगों को सॉल्व करवा देंगे दोस्तों। ठीक है, तो आज का सेशन हम यहाँ पर स्टार्ट 2014 तक, मैंने बताया था दिसंबर 2014 तक क्वेश्चन मैंने डिस्कस कर दिए थे पिछले 5 सेशन के अंदर, और आज का जो हमारा सेशन है, सॉरी 6 सेशन के अंदर आज का जो हमारा सेशन रहने वाला है ये आपका 7th है, और ये आपका क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पर जून 2015 के एग्जाम में सवाल पूछा गया था। तो ये फटाफट सभी बच्चे यहाँ पर आंसर कर दीजिए भाई, सभी बच्चे आंसर कर दीजिए। गुड इवनिंग विनीत, गुड इवनिंग शिवाजी, गुड इवनिंग कुसुम, गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग अंकिता, गुड आफ्टरनून रघुविंदर, गुड आफ्टरनून एवरीवन। सभी बच्चों को भाई एक बार जल्दी सभी बच्चे कनेक्ट हो जाइए। आज का जो सेशन यहाँ पे चल रहा है वो आपका जून 2014 दिसंबर 2014 तक के क्वेश्चन हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं। आज का सेशन में हम बात करेंगे यहाँ पर जून 2015 से। आपके सामने ये सवाल पूछा गया है, इसमें आंसर कर दीजिए। यहाँ पे आपसे क्या कहा है, जॉन टेलर डिस्टोर्शन किसमें प्रेजेंट होगा किसमें नहीं होगा, ये सवाल दोस्तों यहाँ पर पूछा गया है। तो आप सभी बच्चे एक बार बता दीजिए कि जॉन टेलर डिस्टोर्शन जो है वो किसमें प्रेजेंट होगा किसमें नहीं होगा, ये आप आंसर करके आप मुझे बता दीजिए। ठीक है, क्या कहा है, अमंग द कॉम्प्लेक्स, यहाँ पे ये एक तो कंपाउंड दे रखा है, इसमें आपको देख पा रहे हो कि क्रोमियम है और Cn का होल 6 है, यहाँ पे Cn का होल 6 है और -4 दे रखा है। राइट, यहाँ पर क्या दे रखा है, -4 दे रखा है। ठीक है, अब ये कॉम्प्लेक्स दे रखा है तो यहां से हमारे पास ये कौन सा हो गया, क्रोमियम +2 लो स्पिन हो गया, मतलब D4 लो स्पिन हो गया, और D4 लो स्पिन अगर मेरे पास, क्योंकि साइनाइड कैसा है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो यहां से हमारे पास क्या हो जाएगा, ये T2G और ये EG हो गया, तो ये 1, ये 2, ये 3, ये 4। ठीक है, लो स्पिन है तो यहां पर हमारे पास कॉम्प्लेक्स ये आ जाएगा, ये मेरे पास बन जाएगा। अब यहां पर अगर हम बात करें तो 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रह गए, ये हमारे पास या तो T2G मेरे पास है ये अनसिमेट्रिकल हो जाए, या फिर EG, दोनों में से कोई एक अगर अनसिमेट्रिकल हो गया तो वहां पर JTD प्रेजेंट होता है, जॉन टेलर डिस्टोर्शन प्रेजेंट होता है। और अगर इन दोनों ही सिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉन की जो फिलिंग है, इलेक्ट्रॉन की जो फिलिंग है वो सिमेट्रिकल होती है, तो वहां पर आपका JTD प्रेजेंट नहीं होगा दोस्तों। तो यहां पर हमारे पास कौन है, T2G, और यहां पर क्या है, EG है, तो हम कहेंगे यहां पे 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है और 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो यहां पर आपका यहां पर अनसिमेट्रिकल है, क्योंकि इस ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन है, इसमें एक एक ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन है, तो यहां पर हम कहेंगे JTD प्रेजेंट होगा इसमें, तो हमारे पास JTD है। यहां पर अगर हम बात करें तो ये मेरे पास क्या हो गया, D2
यहाँ पे आपका डी सिक्स लो स्पिन का केस हो गया, और डी सिक्स लो स्पिन भरेंगे तो ये फोर फाइव हो गया और ये सिक्स हो गया, ये हमारे पास कौन सा केस बन जाता है, डी सिक्स लो स्पिन। और डी सिक्स लो स्पिन देखिए यहां पर भी सभी में इक्वली दो दो अनपेड इलेक्ट्रॉन, दो दो इलेक्ट्रॉन यहां पे फिल है और यहां पर जीरो जीरो है, तो इसका अलग से यहां पे दोनों जो डीजनरेट ऑर्बिटल होते हैं उनको चेक करना होता है हमें कि वो इक्वली सिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉन की फिलिंग है या नहीं है। तो यहां ये डीजनरेट से डीजनरेट मतलब इक्वल एनर्जी के, तो यहां पर दोनों में ही नहीं है, यहां पर तीनों में दो दो इलेक्ट्रॉन, तो सभी के सभी सिमेट्रिकल फिल है, तो यहां पर जेटीडी में कहूंगा प्रेजेंट नहीं होगा। यहां पर बात करूंगा तो यहां पर क्या दे रखा आपका, यहाँ पे कोबाल्ट प्लस थ्री ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो ये भी डी सिक्स साइनाइड है तो लो स्पिन हो गया, और डी सिक्स लो स्पिन में यही केस बनेगा, इसका मतलब यहां पर भी जेटीडी प्रेजेंट नहीं है। अगर मैं यहां पर बात करता हूं तो ये हमारे पास कौन सा हो गया भाई, डी फाइव पे, यहाँ पे फोर हो गया है और फोर हो गया तो यहाँ पे मैग्नीज प्लस टू में होगा, तो डी फाइव यहाँ पे लो स्पिन हो गया, और डी फाइव लो स्पिन अगर मेरे पास होगा तो ये मेरे पास बन गया, तो यहां से वन टू थ्री फोर एंड फाइव, तो यहां पर एक इलेक्ट्रॉन फिलिंग है, तो यहां पर जो इलेक्ट्रॉन की फिलिंग है वो अनसिमेट्रिकल है, इसका मतलब यहां पर जेटीडी प्रेजेंट है हमारा, तो यहां पे ए और डी में यहां पे जेटीडी हम क्या कहेंगे प्रेजेंट होगा, और किसी भी केस में प्रेजेंट नहीं होगा, जेटीडी हम यहां से कह सकते हैं कि ए और डी में हमारे पास जेटीडी प्रेजेंट है, तो ये हमारे पास आंसर बन जाएगा, ए एंड डी आपका करेक्ट हो जाएगा, ए और डी है क्या कहीं, यहां पर सी, सी हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आ गई सभी को, सभी बच्चे बोले भाई क्या ये बात समझ में आ गई है, हाँ ए और डी जो होगा ये आपका दोस्तों क्या हो जाता है, आपका करेक्ट आपका आंसर हो जाएगा, ए और डी जो होगा ये आपके लिए क्या बन जाएगा, करेक्ट आपका आंसर हो जाएगा। क्या इस बात को आप समझ पाए कि नहीं समझ पाए, सभी बच्चे बोले भाई बहुत अच्छा क्वेश्चन था यहाँ पे कि किसमें जेटीडी प्रेजेंट होगा किसमें नहीं होगा, हाँ बिल्कुल सही है सभी बच्चों का, सही है राघवेंद्र सिंह ठीक है, शिवाजी ठीक है, सुधाकर ठीक है, विनीत भी ठीक है, कुसुम शिवाजी अंकिता सभी का ठीक है भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, ये भी जून 2015 के एग्जाम में दोस्तों ये सवाल पूछा गया था, फटाफट सभी बच्चे आंसर करिए, यहाँ पे सभी बच्चे आंसर करिए, देखिए रोजाना आप कनेक्ट हुआ करो, जितने बच्चे देखते हैं रोजाना कनेक्ट जरूर हुआ करो, क्योंकि इससे आपकी कंटिन्यूटी ब्रेक नहीं होती, अगर आप ये सोचते हो कि मैं शाम को कर लूंगा कल कर लूंगा, इससे आपके नंबर ऑफ लेक्चर जो है वो इकट्ठे होते रहेंगे और आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी सॉल्व नहीं कर पाओगे, तो जिस टाइम पे आपकी क्लास आती है, क्योंकि आपको पता है रोजाना हमारी क्लास प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की चलती है, तो रोजाना आप कनेक्ट हुआ करो, और उसी टाइम पे इससे क्या होगा, आप अगर 40 मिनट 30 मिनट अगर दे देते हो तो आपका क्या होते जाएंगे, रोज 15 से 20 क्वेश्चन आप वहां पे प्रीवियस ईयर सॉल्व करते रहते हो, ठीक है, तो इस चीज का जरूर भाई ध्यान रखा करो आप लोग, ठीक है। चलिए आपके सामने यहाँ पे कॉम्प्लेक्स दे रखा है और इसमें क्या कहा, स्पिन क्रॉस ओवर फिनोमिना, आपको पता होगा स्पिन क्रॉस ओवर फिनोमिना में मैंने एक बात बताई थी आपको कुछ दिन पहले भी, स्पिन क्रॉस ओवर फिनोमिना का क्वेश्चन यहां पर आपको देखने को मिला था प्रीवियस ईयर एग्जाम में, तो इसमें मैंने क्या बात बताई थी आपको, मैंने कहा था कि अगर कहीं पर भी स्पिन क्रॉस ओवर फिनोमिना होता है तो लो टेम्परेचर पर लो स्पिन कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन बनता है, लो टेम्परेचर के ऊपर लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनेगा, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनेगा राइट, और हाई टेम्परेचर के ऊपर, हाई टेम्परेचर के ऊपर हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होगा, यहां पर क्या होगा हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स का भाई फॉर्मेशन होगा, हाई टेम्परेचर के ऊपर हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनेगा और लो टेम्परेचर के ऊपर लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनेगा, जहां कहीं पर भी स्पिन क्रॉस ओवर फिनोमेना आएगा। अब देखिए एक दे रखा है यहां पर 250 टेम्परेचर और एक दे रखा 150 टेम्परेचर, इसका मतलब लो टेम्परेचर हमारा कौन सा है 150 है यहां पर, और हाई टेम्परेचर कौन सा है 250 है, यहां पे 250 हमारे पास हाई टेम्परेचर है, ठीक है, तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, यहां पे लो स्पिन कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। अब हाई स्पिन देखिए लो टेम्परेचर के ऊपर लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, मतलब यहां पे हमारे पास कॉम्प्लेक्स दे रखा है एनसीएस माइनस होता है राइट, एनसीएस माइनस अगर होगा तो दो एनसीएस है, इसका मतलब आयरन किसमें है प्लस टू ऑक्सीडेशन स्टेट में है, आयरन कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में है दोस्तों प्लस टू ऑक्सीडेशन स्टेट में है, और प्लस टू ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा तो हमारे पास कॉम्प्लेक्स क्या बन जाएगा यहाँ पे डी सिक्स, ये हमारे पास लो स्पिन है तो डी सिक्स लो स्पिन वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, ये हमारे पास सिक्स बन गया, तो यहाँ पे आपका सी एफ एस कितनी हो जाएगी, सी एफ एस सिक्स इलेक्ट्रॉन हो गए इंटू में माइनस में पॉइंट फोर डे लो, ये हमारे पास आ जाएगा, तो यहां से क्या हो गया यहाँ पे माइनस में 2.4 डे लो, सी एफ एस इसकी तो इतनी आ गई थी यहाँ पे, इसकी डी सिक्स लो स्पिन, लो स्पिन वाले ही निकाल रहा हूं और अनपेड इलेक्ट्रॉन जीरो है, तो यहाँ पे स्पिन ओनली मैग्नेटिक मूवमेंट की बात करें तो जीरो हो जाएगी भाई, क्योंकि स्पिन ओनली मैग्नेटिक मूवमेंट क्या होता है, स्पिन ओनली मैग्नेटिक मूवमेंट होता है आपका n इंटू में n प्लस टू बोर मैग्नेटोन, ये होता है n क्या होगा नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन, जब नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन ही जीरो होगा तो μs क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा। अब यहाँ पे अगर मैं हाई स्पिन की बात करता हूं तो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स की अगर मैं यहां पर बात कर देता हूं भाई, हाई स्पिन की ये मेरे पास हो गया वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स,
ये मेरे पास हो गया, ठीक है। तो यहां पे अगर सीएफएससी निकालूंगा तो मैं कहूंगा इन तीन से ये तीन कैंसिल आउट हो गया, तो यहां पे बचा कितना, एक इलेक्ट्रॉन, तो माइनस में 0.4 ले लो इनटू में एक इलेक्ट्रॉन, तो यहां से आपका सीएफएससी कितनी आ जाती है, 0.4 ले लो आ जाएगा, ठीक है। और नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 1 2 3 4, फोर नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन हो गए। जब यहां पर नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन में फोर रखूंगा तो आपका क्या आ जाएगा, यहां से 4 × 4 + 2, तो ये कितना हो गया यहां पे 6 है, 24, और 24 √25 की वैल्यू कितनी होती है 5, तो ये लगभग 4.9 के करीब आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा, 4.9 के बोर मैग्नेटोन यहां पर आ जाएगा, मतलब हाई स्पिन में तो 4.9 बोर मैग्नेटोन आएगा, लो स्पिन में 0 आना चाहिए। यहां पर देखिए सबसे पहले हाई स्पिन मतलब हाई टेम्परेचर दे रखा है, इसका मतलब हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स की बात होगी, तो देखिए 0.4 ले लो और 4.9 बिल्कुल सही बात है यहाँ पे। फिर लो स्पिन है तो 2.4 सीएफएससी, 2.4 सीएफएससी, और यहाँ पे जीरो में मेरे पास म्यू स्पिन, तो ये भी सही है। तो आपका ए जो होगा ये क्या हो जाएगा दोस्तों, यहां से करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑर्गेनिक सभी के हैं भाई, टेंशन मत लीजिए, सभी के हैं। अगर आपके पास देखिए सभी के हैं, अगर आपको यहाँ पे जितने भी इस तरह के देखिए रिवीजन जो सेशन है वो ऑलरेडी हमारे चलते रहेंगे, ऐप के ऊपर अलग से चल रहा है और यहाँ यूट्यूब के ऊपर अलग से चल रहा है, तो आपका आप इस एग्जाम बूस्टर 3.0 के नाम से चल रहा है, एग्जाम बूस्टर 3.0 के नाम से चल रहा है, इसके जो कॉस्ट है वो 149, आप 149 में आप कोर्स ले सकते हो एग्जाम बूस्टर, जिसमें आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस मिलेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिलेंगे, यहाँ पे हर तरह के आपके पास रिवीजन सेशन मिलेंगे इसके अंदर। इसका जो प्राइस है वो 149 है, ठीक है। आप सभी बच्चे यहाँ पर परचेज कर सकते हो। क्वांटा पॉइंट आपको ऐप डाउनलोड करना है, उस पर जाकर के सेशन मिल जाएगा क्वांटा पॉइंट। और सीएसआईआर नेट जून का पूरा जो रिकॉर्डेड कोर्स है वो 999 का है, 999 का 999 रुपए में पूरा CSIR जून रिकॉर्डेड आप कोर्स परचेज कर सकते हो, ठीक है। और अगर न्यू बैच ज्वाइन करना चाहते हो तो आप यहां 15 अप्रैल से बैच स्टार्ट हो रहा है, 15 अप्रैल से, तो उस बैच को आप ज्वाइन कर सकते हो ऑनलाइन एंड ऑफलाइन। जैम नेट गेट की जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं तो जैम नेट गेट की तैयारी के लिए 15 अप्रैल वाले बैच को ज्वाइन भी कर सकते हो आप लोग, ठीक है। तो ये सारी बातें आप लोग ध्यान रख सकते हो, जिसमें आप जो भी बच्चा इंटरेस्टेड है वो जरूर इस नीचे दिए गए रजिस्ट्रेशन फॉर्म को जरूर फिल करे। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मेरे से कॉन्टेक्ट भी कर लेने हैं, 8285815185, ये मेरे ही नंबर है, ठीक है। प्रवीण सर के पास भी कर सकते हो या अनूप सर के पास भी कर सकते हो, ठीक है। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, फटाफट सभी बच्चे आंसर करिए, जल्दी सभी बच्चे आंसर करिए। ये CSIR दिसंबर 2015 के एग्जाम में सवाल पूछा गया था, तो आप सभी बच्चे यहां पर आंसर कर दीजिए और बताइए करेक्ट आंसर यहां पर क्या होने वाला है, यहां पे करेक्ट आंसर क्या होने वाला है ये आप मुझे बता दीजिए भाई। नहीं टेस्ट सीरीज नहीं है, उसमें रिकॉर्डेड कोर्स की प्राइस है यहां पे 999 रुपए, ठीक है। रिकॉर्डेड कोर्स की प्राइस है, आप क्वांटा क्लासेज ऐप के ऊपर जाकर के, क्वांटा केमिस्ट्री जो क्लासेज ऐप है उसके ऊपर जाकर के CSIR नेट जून 2023 वाला सेलेक्ट करना है, और उसका प्राइस जो है वो 999 है, तो आप जाकर के कोर्स परचेज कर सकते हो दोस्तों, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, क्या कहा है दोस्तों यहां पर, टर्म सिंबल फॉर द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट ऑफ बेरिलियम विद द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, यहां पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन दे रखा है आपका, क्या दे रखा है यहां पे 1s2 2s2 और 3p, यहां पे 3s1 दे रखा है, 1s2 2s1 यहां पे 2s1 और यहां पे 3s1, तो यहां पे आपके पास आउटरमोस्ट सेल, यहां पे हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन होगा, यहां पर भी हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन है, ये 2s हो गया और ये मेरे पास क्या हो गया 3s हो गया, इधर मेरे पास यहां पे 1s है भाई, ये 1s है। तो यहां पे बताइए l की वैल्यू की अगर मैं बात करता हूं तो l कितना होता है, 0 होता है, 0 होता है, 0 होता है, यही l होता है। तो यहां पे अगर मैं l की वैल्यू की बात करूंगा तो मैं कहूंगा इस इलेक्ट्रॉन के लिए सभी के लिए क्या होगा, 0 हो जाएगा। तो l अगर 0 आता है, 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 0 जो मेरे पास होता है उसके लिए s होता है, 1 होता है उसके लिए p होता है, यहां पे 2 होता है तो d होता है, 3 होता है तो यहां पे f होता है, ठीक है। तो यहां पे जो मेरे पास क्रम आएगी वो कौन सी आ जाएगी, 0 l के 0 के लिए s आ जाएगी। अब यहाँ पे ऊपर की तरफ ये जो होता है ये स्पिन मल्टीप्लिसिटी होती है, तो यहाँ पे आपको एस वैल्यू निकालनी होगी, एस वैल्यू कितनी होगी, ये प्लस हाफ, ये प्लस हाफ, तो प्लस हाफ प्लस में प्लस हाफ क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा। अगर एस की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ गई, वन आ गई, तो स्पिन मल्टीप्लिसिटी क्या होती है, 2s + 1, तो 2s + 1 लगाओ तो 2 × 1/2 + 1 हो गया, तो यहां से आपके पास स्पिन मल्टीप्लिसिटी कितनी आ गई भाई, यहां से 1 + 1 = 2 आ गई, तो स्पिन मल्टीप्लिसिटी यहां से आपकी 2 आ गई है, राइट। तो यहां पे अगर मेरे पास स्पिन मल्टीप्लिसिटी 2 आ गई तो यहां पे आपके पास क्या हो जाएगा, सॉरी यहां पे हाफ नहीं था, ये 1 था भाई, हाफ प्लस हाफ 1 था, एस वैल्यू है ना,
तो इन टू में वन, तो प्लस वन, तो यहाँ पे स्पिन मल्टीप्लिस कितनी आ गई, थ्री। तो यहाँ पे आप लिख दिया थ्री, क्योंकि यहाँ पे आपके पास क्या होती है, ऊपर की तरफ स्पिन मल्टीप्लिस ये टर्म होती है और यहाँ पर नीचे जे वैल्यू होती है। जे वैल्यू क्या होगी, नीचे जे वैल्यू क्या होती है, एल माइनस एस से लेकर के कहाँ तक होता है भाई, एल प्लस एस तक होता है, एल माइनस एस से यहाँ एल प्लस एस तक होता है। अगर मैं L माइनस एस की बात करूं तो L कितना आया था हमारे लिए, जीरो आया था, यहां पर देख सकते हो। तो L हमारे पास J वैल्यू क्या हो गई, यहां पे जीरो माइनस में यहां कितना था वन, और से लेकर के जीरो प्लस वन तक आपका हो जाएगा। तो J वैल्यू कितनी आ गई, यहां से आपके पास वन आ जाएगी भाई। तो J वैल्यू यहां पर क्या हो गई, वन हो गई। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, थ्री एस वन हो जाएगा। थ्री एस वन कहां पर है, ए। तो ए आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। हाँ, जिस बच्चे का एग्जाम बूस्टर जो है, एग्जाम बूस्टर आज आपकी पहला लेक्चर होगा अनूप सर स्टीरियो केमिस्ट्री के लेकर के आ रहे हैं, बहुत ही अच्छे स्टैंडर्ड बुक के क्वेश्चन होंगे। ठीक है भाई, ऑलरेडी वहां पे मैंने कहा लगभग 3000 प्लस जो है क्वेश्चन वो आपको सॉल्यूशन की फॉर्म में मिलेंगे, मतलब यहाँ पे वीडियो लेक्चर की फॉर्म में मिलने वाले हैं। ठीक है, पहली बात। तो दूसरा, आपके पास रिकॉर्डेड लेक्चर कुछ मिलेंगे, कुछ लाइव लेक्चर मिलेंगे, तो उनसे मिलकर के आपके लगभग 3000 प्लस क्वेश्चन होंगे। दूसरा, आपके पास क्या होगा, वहां पे रिवीजन प्रोग्राम के लिए आपके पास लेक्चर अवेलेबल होंगे, उनका कॉस्ट है 149 है। ठीक है, तो आप सभी बच्चे परचेज कर लेना है। जो बच्चे क्वांटा पॉइंट ऐप को डाउनलोड कर रखा है वो एक बार अपडेट जरूर कर लीजिए उसको, अपडेट कर लोगे तो पेमेंट हो जाएगी, अपडेट नहीं किया हुआ है तो पेमेंट रुकी हुई है। ठीक है, जिन्होंने डाउनलोड नहीं किया है तो आप क्वांटा पॉइंट को ऐप को डाउनलोड करिए, और डाउनलोड करोगे तो वहां से आप वहां पे 149 वाले कोर्स में एग्जाम बूस्टर 3.0 में जाना है, और वहां जाकर के आप अपना कोर्स को परचेज कर लेना है। ठीक है, चलिए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने फटाफट देखिए और बताइए यहां पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने फटाफट देखिए और बताइए यहां पे करेक्ट आंसर क्या होने वाला है, ये आप मुझे बता दीजिए। सीएसआईआर दिसंबर 2015 के एग्जाम में पूछा गया था, CSIR दिसंबर 2015 के एग्जाम में पूछा गया था। क्या कहा है, ऑक्सीडाइजिंग पावर पूछा गया है। ऑक्सीडाइजिंग पावर की अगर हम बात करते हैं तो मुझे पता है ऑक्सीडाइजिंग जो पावर होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है डी इलेक्ट्रॉन की। जितने ज्यादा किसी सिस्टम में डी इलेक्ट्रॉन होंगे उसकी ऑक्सीडाइजिंग जो पावर है दोस्तों उतनी ही ज्यादा होगी। तो यहाँ पे आपके पास एक तो मेरे पास क्या दे रखा है, क्रोमियम प्लस सिक्स ऑक्सीडेशन स्टेट में है, मैग्नीज भी प्लस सिक्स में है, और यहाँ आयरन भी प्लस सिक्स में, राइट। तो यहाँ पे आपके पास D2 हो गया, दो इलेक्ट्रॉन हो गए, यहाँ पे आपके पास D1 हो गया एक इस, और ये मेरे पास यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन देख करके D0 आ गया। और मैंने क्या कहा, D इलेक्ट्रॉन जितने ज्यादा होंगे तो उतना ही मेरे पास ऑक्सीडाइजिंग पावर ज्यादा होगी। इसका मतलब यहाँ आयरन वाले की तो सबसे ज्यादा होगी, फिर मैग्नीज वाले की, और सबसे लिस्ट यहाँ पर क्रोमियम वाले की हो जाएगी। तो यहाँ पे आपका जो करेक्ट आंसर आएगा वो कौन सा हो जाएगा भाई, यहाँ पर ए जो होगा वो आपका दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या ये बात आप समझ पाए कि नहीं समझ पाए, सभी बच्चे बोलिए। यहां पर ए जो होगा वो आपका दोस्तों क्या हो जाएगा, यहां से करेक्ट आपका आंसर हो जाएगा। ए जो होगा वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, बात समझ में आ गई है, ये बात समझ में आ गई है कि सभी बच्चे बोलिए भाई, क्लियर है क्या, सभी बच्चे बोल दीजिए भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर आपके सामने है, फटाफट देखिए और बताइए यहां से करेक्ट आंसर क्या होगा। ये सवाल जो है सीएसआईआर दिसंबर 2015 के एग्जाम में पूछा गया था, तो फटाफट से सभी बच्चे आंसर करिए। यूजिंग क्रिस्टल फील्ड थ्योरी आइडेंटिफाई फ्रॉम द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स आयन दैट शो सेम म्यू इफेक्टिव, बताना स्पिन ओनली का। यहां पर स्पिन ओनली का म्यू इफेक्टिव बताना है, किसके लिए बताना है, ये कॉम्प्लेक्स दे रखे हैं इसमें सेम किसका होगा, इस चीज को जरूर यहां पर नोटिस करना। यहाँ पे आपसे जो सवाल किया गया है वो सेम पूछा गया है, सेम म्यू इफेक्टिव किसका होगा, इस चीज को यहां पर जरूर आप ध्यान देना। और यहां पर किसके लिए बात कर रहे हो, म्यू इफेक्टिव ओनली फॉर स्पिन ओनली का हम देख रहे हैं, स्पिन ओनली का म्यू इफेक्टिव जो है वो बेसिकली हम यहां पर चेक कर रहे हैं। तो एक बार आप सभी बच्चे यहां पर आंसर कर दीजिए भाई, बिल्कुल सही, विनीत ने आंसर दिया है ए, शिवाजी चौहान ने सी दिया है, यहाँ पे रिचम शर्मा ने सी दिया है, रघुवेंद्र ने ए दिया है। चलिए ए और सी आपका आंसर कुछ बच्चे बता रहे हैं। देखिए यहां पर आपके पास आपका कौन सा है, कोबाल्ट दे रखा है, कोबाल्ट दे रखा है, तो यहां पे कौन सा डी इलेक्ट्रॉन हो गया, कोबाल्ट प्लस थ्री में है, तो डी सिक्स हो गया, यहां पे डी सिक्स हो गया और हाई स्पिन हो गया। फ्लोरीन कैसा है, वीक फील्ड लिगेंड है। इरिडियम आपके पास ये हो गया, ये कौन सा हो जाएगा, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। यहां पे आपके पास कितना हो गया, ये भी प्लस थ्री ऑक्सीडेशन स्टेट में हो जाएगा, यहां पे प्लस थ्री ऑक्सीडेशन स्टेट में रहेगा। ठीक है, तो यहां पर आपके पास प्लस थ्री होगा तो ये भी डी सिक्स हो जाएगा, और डी सिक्स होगा तो ये लो स्पिन कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। बोलिए यहाँ पे लो स्पिन, क्योंकि प्लस थ्री इरिडियम आपके पास प्लस थ्री होगा, तो यहाँ पे ऑल जो मेरे पास लिगेंड होंगे वो कैसे होंगे, यहाँ पे
लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, यहां पर अगर मैं बात करूं तो डी सिक्स हो गया मेरे पास यहां पे और हाई स्पिन हो गया, राइट। तो यहां पे डी सिक्स हाई स्पिन, एक तो ये और ये मेरे पास दोनों सेम है, मतलब ए एंड जो सी होगा उसका यहां पे स्पिन वैल्यू क्या आने वाली है, सेम आने वाली है, क्योंकि भाई दोनों का कॉन्फिगरेशन ही सेम है तो उसका मैग्नेटिक मूवमेंट तो ऑलरेडी सेम आएगा। मैग्नेटिक मूवमेंट क्या होता है भाई, म्यू स्पिन का क्या होता है, म्यू स्पिन निकालने के लिए हम क्या कहते हैं एन इंटू में एन प्लस टू होता है, इतना बोर मैग्नेटोन होता है, ये बोर मैग्नेटोन होता है यहाँ पे, एन इंटू में एन प्लस टू होता है। एन क्या है, एन जहां नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, एन क्या होगा, एन जहां पर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा, तो यहाँ पे ए एंड सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, मतलब यहाँ पे सी आपका आंसर आ जाएगा। सी किस किस का, ठीक है भाई, हाँ बिल्कुल सही है शिवाजी, 404 आ जाएंगे ए और सी, बिल्कुल सही। अंकिता ने सही कहा, विनीत ने सही कहा, 5D लो स्पिन इन केस ऑफ इरिडियम, बिल्कुल सही है शिवाजी, हाँ इरिडियम के केस में यहाँ पे 5D जो होगा लो स्पिन हो जाएगा। देखिए आप सभी बच्चे, मैं बार बार कह रहा हूँ, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी अच्छे से लगा के गए ना तो भी आपका सिलेक्शन जरूर हो जाएगा, नेट में अच्छे से क्वालिफाई, अच्छी रैंक आ जाएगी, तो इस चीज को जरूर ध्यान दे, ठीक है। सभी बच्चे प्रीवियस ईयर मैंने कहा मेजरली टॉपिक फिलहाल चल रहे हैं, यहाँ पे कई सारे टॉपिक्स हो चुके हैं ऑलरेडी, तो आप जरूर ध्यान रखें इन चीजों को। यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की टेंशन मत लीजिए, हम पूरे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवाएंगे, ठीक है, और जितने बचे भी है वो एग्जाम बूस्टर 3.0 में हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे, हम आपको एग्जाम तक लगभग 3000 क्वेश्चन यहाँ पे वीडियो सॉल्यूशन के साथ प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। यहाँ करेक्ट स्टेटमेंट MnO बॉन्ड लेंथ की बात की गई, यहाँ पे MnH2 का होल 6+2, ये आपसे सवाल पूछा गया है दोस्तों, तो यहाँ पर आपको आंसर करना है। देखिए मैग्नीज दे रखा है आपके पास H2 का होल फिक्स, तो यहाँ पे मैग्नीज प्लस टू में है, तो ये D5 आपका हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स हो गया, राइट। और D5 हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स को अगर मैं फिल करूंगा तो मेरे पास 1 हो गया, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5, तो यहां पर भी इलेक्ट्रॉन की फिलिंग सिमेट्रिकल है, यहां पर भी इलेक्ट्रॉन की फिलिंग सिमेट्रिकल है, इसका मतलब JTD जॉन टेलर डिस्टोर्शन यहां पे प्रेजेंट है नहीं, और जॉन टेलर डिस्टोर्शन यहां पर प्रेजेंट नहीं होगा तो ऑल बॉन्ड लेंथ मेरी क्या होंगी, इक्वल होंगी, मतलब यहां से ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। जहां पर आपका JTD प्रेजेंट होगा वहीं पर तो डिस्टोर्शन आएगा, जब JTD प्रेजेंट नहीं है तो डिस्टोर्शन होगा नहीं, तो सारी की सारी जो बॉन्ड लेंथ होंगी वो इक्वल होंगी, तो हम क्या कह सकते हैं यहाँ पे ऑल बॉन्ड आर इक्वल, यहाँ पे सभी के सभी जो बॉन्ड होंगे वो इक्वल हो जाएंगे, तो हमारा यहाँ पर ए जो होगा दोस्तों ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए जो होगा वो आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और दूसरी चीज, जितने भी अभी तक लेक्चर हुए हैं उन सभी की मैं क्लास स्लाइड, जितने भी अभी तक लेक्चर हुए हैं उन सभी की क्लास स्लाइड है क्वांटा पॉइंट ऐप के ऊपर मिल जाएगी, एक दो दिन में अपडेट हो जाएगी वो सारे के सारे लेक्चर की क्लास स्लाइड, तो वहां जाकर के आप जितने भी लेक्चर आप देख रहे हो उन सभी की क्लास स्लाइड भी आपको मिलने लग जाएंगी, हर रोज वहां पे अपडेट हो जाएंगी। मैंने कहा जितने भी पहले आपके पास लेक्चर हो जाएंगे, हो चुके हैं, उन सभी की भी मिलेगी, ऐसा नहीं कि भाई आज से मिलने लग जाएंगी, पहले की नहीं मिलेगी, पहले की और आज तक की जितनी भी होंगी सारी की सारी वहां पर अवेलेबल होंगी आपको, यहाँ पे स्पेशली वो आपको पता देगा कि भाई इस वीडियो लेक्चर की ये स्लाइड है, ठीक है, ऐसा नहीं कि आपको ढूंढनी पड़ेगी, वहां पे ये तक भी आपको मिल जाएंगी, तो क्वांटा पॉइंट ऐप को जरूर आप डाउनलोड कर लेना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, फटाफट से सभी बच्चे आंसर करिए, क्या कहा है, आइडेंटिफाई द कॉम्प्लेक्स आयन इन सिक्वेंशियल ऑर्डर ऑफ फेरन, यहाँ पे ये आपके सामने कॉम्प्लेक्स दे रखा है और इसमें यहाँ पे आपसे कहा है कि कौन सा यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। देखिए इसमें आपको एक सिक्वेंशियल ऑर्डर यहाँ पे एज ए इंडिकेटर की बात की गई है, और इंडिकेटर यहाँ पे हमारे पास कौन से होंगे, जो ऑक्सीडाइज होंगे यहाँ पे बेसिकली, इन केसेज में यहाँ पे हमें कौन से लेंगे कि हमारे पास फेरोन से यहाँ पे डाइक्रोमेट, आपके पास पोटेशियम डाइक्रोमेट जाता है, तो उस केस में हमारे पास जो इंडिकेटर हम यूज करते हैं उसमें हम आयरन प्लस टू का कॉम्प्लेक्स होता है और वो किसमें जाता है भाई, प्लस थ्री की फॉर्म में यहाँ पे कन्वर्ट होता है, तो हमारे पास जो होता है यहाँ पे ये जो आयरन होता है प्लस टू होता है और ये किसमें चला गया है, प्लस थ्री, मतलब ये ऑक्सीडाइज हो जाता है, यहाँ पे आयरन जो मेरे पास प्लस टू है वो ऑक्सीडाइज होकर आयरन प्लस थ्री की फॉर्म में यहाँ पर चला जाएगा, तो आपके पास बन क्या जाएगा यहां से, ये आपके पास ए जो होगा ये करेक्ट आंसर हो जाएगा, यहाँ पे यही मेरे पास 1,4 ये मेरे पास लिगेंड यह होता है फिन, यहाँ पे यही मेरे पास लिगेंड होगा, तो यहाँ पे साइनाइड वगैरह होंगे नहीं, तो ये मेरे पास वैसे ही गलत हो जाएंगे, यहाँ पे प्लस थ्री से रिडक्शन नहीं होता, ऑक्सीडेशन वाला होता है यहाँ पर इस केस में, ठीक है, तो आपका ए जो होगा वो करेक्ट आंसर हो जाएंगे, नहीं एग्जाम बूस्टर वाली में इंक्लूड नहीं होंगी, वो अलग से मिल जाएंगी यूट्यूब की स्लाइड के नाम से, वो एग्जाम बूस्टर में इंक्लूड नहीं है, ठीक है, वो यहाँ पर यूट्यूब की स्लाइड है, वो आपके पास सभी बच्चों को मिल जाएंगे, यूट्यूब वालों को यहाँ पे पे नहीं करना, वो तो एग्जाम बूस्टर अगर आप लेते हो तो उसकी बात है, वो एग्जाम बूस्टर अलग है, उसमें आपको 3000 प्लस क्वेश्चन दिए जाएंगे, ठीक है। चलिए यहां पर आपके सामने है द फॉर्मेशन कॉन्स्टेंट ऑफ कॉम्प्लेक्सेशन ऑफ मेटल प्लस आयन,
लिथियम सोडियम पोटेशियम एंड सीजियम विद क्रिपलैंड, यहाँ पे आपके पास दे रखा है क्रिपलैंड, आपके पास क्रिपलैंड कौन सा दे रखा है, 222 दे रखा है और इसका ऑर्डर पूछा गया है। तो देखिए दोस्तों यहां पर अगर इस केस की हम बात करते हैं, जब क्रिपलैंड के साथ बात करते हैं, तो इसमें आपको जो सिक्वेंस आपको पता होना चाहिए वो सिक्वेंस आपको याद ही रखना है, इसमें कुछ समझने की नहीं है। और वो समझना जैसे क्रिपलैंड 222 हो गया, तो उस केस में हमारे पास जो उसकी कैविटी में जो इतना स्टेबल आपके पास जितनी यहाँ पे कैविटी साइज है उसी साइज का ही मेटल आयन आ जाता है तो ज्यादा स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाएगा। अगर उससे कम या ज्यादा साइज का अगर मेरे पास मेटल आयन आएगा तो वहां पर आप उनकी जो मेरे पास स्टेबिलिटी होगी वहां पे कॉम्प्लेक्स की वो लेस स्टेबल हो जाएगा। दूसरा किस पे डिपेंड करता है, दूसरा डिपेंड करता है हार्ड सॉफ्ट इंट्रैक्शन के ऊपर। ठीक है, अगर मेरे पास मेटल हार्ड है तो आपका लिगेंड जो जुड़े हुए हैं वो कैसे होते हैं, अगर हार्ड ही होते हैं तो वहां इंट्रैक्शन अच्छे होंगे, कॉम्प्लेक्स ज्यादा स्टेबल बनेगा। अगर मेरे पास वहां पे लिगेंड सॉफ्ट है तो और मेटल भी सॉफ्ट है तो मेटल या तो सॉफ्ट सॉफ्ट इंट्रैक्शन होनी चाहिए, इंट्रैक्शन कैसे होनी चाहिए, सॉफ्ट सॉफ्ट होने चाहिए या फिर हार्ड हार्ड होने चाहिए। ठीक है, इस तरह के इंट्रैक्शन होने चाहिए। तो यहाँ पे हम कहेंगे पोटेशियम तो सबसे ज्यादा होगा, फिर सोडियम होगा, ठीक है, फिर आपके पास यहाँ सीजियम होता है, फिर आपके पास लिथियम होता है, लिथियम आयन। ये आपका यहाँ पे क्रिपलैन 22 के साथ यहाँ पर इनका ऑर्डर रहता है, तो आप इसको ध्यान रख सकते हो भाई। ठीक है, और ये कौन सा मैच कर जाएगा, यहाँ से ए जो होगा यहाँ पर ये करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए के साथ ये मैच कर जाएगा आपका, तो आपका आंसर जो होगा वो ए आ जाएगा भाई। आंसर जो होगा वो कौन सा हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर ए जो होगा वो आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर आ जाएगा। क्या ये बात समझ पाए कि नहीं समझ पाए, सभी बच्चे बता दीजिए भाई, ए जो होगा ये क्या हो जाएगा आपके लिए, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, फटाफट से सभी बच्चे यहां पर आंसर कर दीजिए और बताइए करेक्ट आंसर यहां पर क्या रहने वाला है, ये आप बता दीजिए। क्या कहा है, MnO4- इज डीप पर्पल इन कलर, whereas Rhenium-O4- इज कलरलेस, इज ड्यू टू ग्रेटर एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर, किसमें ग्रेटर एनर्जी रिक्वायरमेंट होती है, ये आपको यहां पर सारी बातें बतानी है। तो हमें पता है ये सारी जो कहानी होती है यहाँ यहाँ पर लिगेंड O-2 है, तो ये हमारे पास कैसा लिगेंड है, पाई डोनर, और पाई डोनर लिगेंड होता है तो हम जानते हैं वहां पे लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर होता है, मतलब वहां पर हमें LMCT जो है वो देखने को मिलती है। यहां पर क्या देखने को मिलती है, LMCT लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर। अब यहां पे लिगेंड टू मेटल मतलब लिगेंड का जो मेरे पास 2p ऑर्बिटल जो फील्ड ऑर्बिटल होगा, p ऑर्बिटल यहां पे 2p ऑर्बिटल है वो फील्ड ऑक्सीजन का, रेनियम आपका कौन से पीरियड से बिलोंग करता है भाई, 5d सीरीज से बिलोंग करता है, और मैग्नीज जो यहां पे बिलोंग करता है वो आपका 3d सीरीज से बिलोंग करता है। ठीक है, मैग्नीज जो है वो 3d सीरीज से बिलोंग करता है और रेनियम जो है वो 5d सीरीज से बिलोंग करता है। तो हमें पता है 3d सीरीज की एनर्जी कैसी होती है, लोअर होती है। अगर मैं यहां पर 3d से 4d जाता हूं, 4d से 5d जाऊंगा, तो यहां पे एनर्जी जो होगी वो क्या होगी भाई हमारी, यहां पर एनर्जी जो होगी वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, एनर्जी इंक्रीज होगी। और एनर्जी इंक्रीज होगी तो मैं कहूंगा 3d लोअर एनर्जी में होगा और 5d जो होगा वो हमारे पास हायर एनर्जी में होगा। तो अब यहां पर अगर मैं ट्रांजिशन की मैं बात करूंगा तो मैं कह सकता हूं कि यहां से यहां पर जो ट्रांजिशन होगा वो मेरे लिए क्या होगा, यहां पे आसान होगा क्योंकि यहां पर डेली गैप कम है, और यहां से यहां जो ट्रांजिशन होगा उसमें डेली गैप ज्यादा होगा, और डेली गैप ज्यादा होने से यहां प्रॉब्लम क्या क्रिएट होगी ध्यान दीजिए भाई। यहां पर जो मेरे पास होता है बीच में तो कौन सा होता है रीजन, विजिबल रीजन होगा, यहां पर रीजन कौन सा होता है, विजिबल। ठीक है, अगर यहां पर मेरे पास क्या हो जाएगा, ये मेरे पास यहां पर यूवी हो जाएगा, यूवी हो गया, विजिबल हो गया और आईआर हो गया, राइट, ये मेरे पास आईआर हो गया। ठीक है, तो यहां पे अगर मैं बात करूंगा तो यहां से यहां मेरे पास इस तरफ एनर्जी जो होगी वो बढ़ रही होगी, तो यहां पर जो मेरे पास इसका जो कलर होता है यहां पे डेली एनर्जी कम है, यहां पे एनर्जी क्या होगी, कम होगी, यहां पे एनर्जी क्या होगी, इस साइड में बढ़ रही है, तो यहां पे मेरे पास जो 3D अगर मेरे पास होता है तो हमें कम एनर्जी की जरूरत पड़ती है, और कम एनर्जी की जरूरत पड़ेगी तो ये जो ट्रांजिशन होता है ये तो विजिबल रीजन में ही यहां पर ट्रांजिशन हो जाता है, विजिबल रीजन के अंदर ही लाई कर जाता है, पर जैसे यहां 2p से 5d जाता है तो इसमें डेली गैप बढ़ गया, मतलब ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, और ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है तो यहां पे जो ट्रांजिशन होता है वो यूवी रीजन में यहां पे लाई करने लग जाता है, यहां पे जो ट्रांजिशन होता है यूवी रीजन में। और हमें पता है कि कलर जो आते हैं वो कौन से रीजन में आते हैं, ओनली फॉर विजिबल रीजन के अंदर ही कलर हमें शो होते हैं, और विजिबल रीजन के अंदर कलर शो होंगे तो सिर्फ इसी का ही यहां पे जो ट्रांजिशन हो रहा है वो विजिबल रीजन में है, इसका जो ट्रांजिशन हो रहा है वो यूवी रीजन में लाई करने लग जाता है,
जिसकी वजह से यहां पे इससे कलरलेस रह जाता है। ठीक है, तो यहां पे हायर एनर्जी रिक्वायरमेंट कहां पर होगी, मैं कहूंगा यहां पे कौन सा हो रहा है, एलएमसीटी लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर, तो यहां कहेंगे चार्ज ट्रांसफर फ्रॉम टू ऑक्सीजन टू रेनियम, इसमें हमें हायर एनर्जी की रिक्वायरमेंट ज्यादा होगी एज कंपेयर टू ऑक्सीजन टू मैग्नीज, क्योंकि यहां पर आप देख रहे हो ग्रेटर एनर्जी की बात की गई है, और ग्रेटर एनर्जी क्या होगी, चार्ज ट्रांसफर फ्रॉम ऑक्सीजन टू रेनियम जो होगा वो ज्यादा होगी एज कंपेयर टू ऑक्सीजन टू मैग्नीज। तो ये हमारा सी जो होगा यहां पर आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। क्या ये बात आप समझ पाए कि नहीं समझ पाए, सभी बच्चे बता दीजिए भाई, क्लियर है इतनी बात, किसी को भी यहां तक कोई प्रॉब्लम है तो बता दीजिए भाई। जो भी नए बच्चे जुड़ रहे हैं वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन दबा दें ताकि आने वाली जितनी भी हमारी वीडियो होंगी उसका नोटिफिकेशन दोस्तों आप तक पहुंच के आपको मिल सके। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, फटाफट बता दीजिए, सीएसआईआर दिसंबर 2015 के एग्जाम में सवाल पूछा गया था, ये सीएसआईआर दिसंबर 2015 के एग्जाम में सवाल पूछा गया था, फटाफट से सभी बच्चे यहां पर आंसर कर दीजिए। क्या कहा है, द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ यहां CO CN का होल 5 Cl माइनस 3 विद OH माइनस, ये क्या दे रखा है, OH माइनस टू गिव यहां पे, ये आपके पास कॉम्प्लेक्स, देखिए अगर ये कॉम्प्लेक्स मुझे बनाना है तो यहां पर ये कॉम्प्लेक्स मुझे दे रखा है, कोबाल्ट दे रखा है, 5 साइनाइड दे रखे हैं आपके सामने, 5 CN दे रखे हैं और 1 Cl दे रखा, राइट, यहां पर ये दे रखा है, यहां पे आपके पास कोबाल्ट जो है वो प्लस 3 ऑक्सीडेशन स्टेट में दे रखा है, तो यहां पे माइनस आपके पास 3 दे रखा है, यहां पे आपके पास माइनस 3, मतलब यहां पे ये मेरे पास दे रखा है। ठीक है, अब यहां से कॉम्प्लेक्स किसके साथ रिएक्शन करवाई गई है, OH माइनस के साथ, बेसिक मीडियम ले रखा है, अगर बेसिक मीडियम ले रखा है तो आपके पास यहां पर रिएक्शन जो है वो SN-CB नहीं हो सकती, क्यों, क्योंकि अगर बेसिक मीडियम SN-1-CB रिएक्शन तभी होगी जब एसिडिक हाइड्रोजन अवेलेबल हो, इस कॉम्प्लेक्स में एसिडिक हाइड्रोजन है नहीं, और एसिडिक हाइड्रोजन नहीं होगा तो पहले ये जो Cl होगा यहां पर लॉस होगा, मतलब पहले क्या होगी यहां पर डिसोसिएटिव रिएक्शन हो जाएगी, SN1 रिएक्शन हो जाएगी, यहां से डिसोसिएटिव रिएक्शन यहां पर हमें देखने को मिलेगी, और डिसोसिएटिव अगर देखने को मिलेगी उसके बाद यहां पे आपका OH माइनस यहां पे अटैक कर देगा, और ये जो स्टेप होती है वही क्या होती है, RDS स्टेप होती है, तो यहां से हमारे पास बन क्या जाएगा, CO CN का होल 5 यहां पे OH और यहां पे आपका माइनस 3 हो जाएगा, ये आपके पास कॉम्प्लेक्स यहां पर बन जाएगा। तो यहां पे ये स्टेप जो होती है वो आरडीएस स्टेप होती है, और यहां पे ये किसकी कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड कर, मतलब किस सब्सटेंस के ऊपर डिपेंड कर रहा है, ओनली फॉर सब्सट्रेट के ऊपर, तो यहां पर रेट जो होगी वो क्या होगा, रेट कॉन्स्टेंट इंटू में यहां कॉम्प्लेक्स की कंसंट्रेशन के ऊपर ही डिपेंड करेगा, कॉम्प्लेक्स की कंसंट्रेशन के ऊपर ही क्या कहेंगे भाई यहां पर डिपेंड कर रहा होगा, सिर्फ ये बात हमें पता होनी चाहिए यहां से, और हमारे पास सारी बातें यहां पे आप समझ गए होंगे कि क्लियर हो गया है ना। तो यहां पे आपका ऑर्डर जो होगा वो कौन से ऑर्डर की हो जाएगी, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हो जाएगी, तो हम क्या कहेंगे यहां से, इट ऑबे फर्स्ट ऑर्डर ऑफ काइनेटिक्स, यहां पे ए जो होगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल सही है शिवाजी, यहां पे अंकिता का बिल्कुल सही है, कुसुम का भी ठीक है, विनीत का भी ठीक है, यहां पे शिवाजी का भी ठीक है, सभी बच्चों की बात समझ में आ गई क्या, क्या ये बात समझ में आ गई है कि यहां पे आपका फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड नहीं करेगी, अगर यहां पे मान लीजिए CN की जगह अमोनिया होता तो हम कहते हैं यहां पे SN2 रिएक्शन हो जाती, यहां पे आपका SN1-CB की तरह यहां पर रिएक्शन चली जाती, ठीक है, तो यहां पर रिएक्शन हो जाती। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, फटाफट बता दीजिए, यहां ये सवाल जो दिया गया है ये CSIR दिसंबर 2015 के एग्जाम में पूछा गया था, यहां पे क्या कहा है, एक्वस क्रोमियम प्लस 2 इफेक्ट ऑन 1 इलेक्ट्रॉन रिडक्शन, यहां पे एक इलेक्ट्रॉन का रिडक्शन हुआ है, गिविंग कंपाउंड वाई, कंपाउंड वाई अंडरगोज रैपिड हाइड्रोलाइसिस, तो कंपाउंड वाई क्या रहने वाला है, ये आपको आंसर करना है, ये आपको दोस्तों यहां पर आंसर करना है। तो यहां पे आप समझ गए होंगे रिएक्शन कौन सी है, यहां पे रेडॉक्स रिएक्शन से रिलेटेड यहां पर ये सवाल है, और रेडॉक्स रिएक्शन से रिलेटेड अगर सवाल होगा तो इसमें किस तरह से यहां पर इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है वो हमें यहां पे बेसिकली देखना है। क्रोमियम प्लस 2 का रिडक्शन होता है और यहां पे क्रोमियम प्लस 3 में जाता है, बिल्कुल सही है, तो हमारे पास क्रोमियम प्लस 2 हो गया है, और क्रोमियम प्लस 2 यहां पे ये हमारे पास एक्वस क्रोमियम प्लस 2 दे रखा है, तो ये हमारे पास एक्वस प्लस 2 क्रोमियम हो गया। ठीक है, इसकी रिएक्शन किसके साथ, यहां पे रिडक्शन किसके साथ हुआ है, CO NH3 का होल 5 यहां पे Cl, ये हमारे पास क्रोमियम प्लस 3 में दे रखा है, यहां पे क्रोमियम कितने हैं, प्लस 3 में है, ये प्लस 2 में जब ये रिएक्शन होगी तो यहां पे आप समझ गए होंगे कोबाल्ट अगर मेरे पास यहां पे प्लस 3 है तो ये कौन सा हो जाएगा, D6 हो जाएगा भाई, D6 लो स्पिन, और D6 लो स्पिन जो होता है वो इनर्ट होता है, वो इनर्ट होता है। यहां पे आपके पास ये कॉम्प्लेक्स जो दे रखा है, सॉरी यहां पे आपके पास कौन सा है, ये प्लस 2 है, तो प्लस 3 की फॉर्म में है, ठीक है, प्लस 3 कोबाल्ट प्लस 3 की फॉर्म में आ गया है। ठीक है, तो जब ये रिएक्शन होगी तो यहां पे कौन सी रिएक्शन दे रखी है, यहां पे इनर्ट हाइड्रोलाइज, इनर्ट सॉरी
यहाँ पे इनर स्पेयर मैकेनिज्म, यहाँ पे इनर स्पेयर मैकेनिज्म यहाँ पे रिएक्शन हो रही होगी, और इनर स्पेयर अगर मेरे पास मैकेनिज्म हो रही होगी तो यहां से हमारे पास सबसे पहले तो ये ब्रिजिंग लिगेंड है, और ब्रिजिंग लिगेंड क्या करेगा, सबसे पहले तो यहां पर जुड़ेगा। तो यहां पर ब्रिजिंग लिगेंड जब ये क्रोमियम यहां पे अटैक करेगा तो यहां पे आपके पास ये सीएल क्या हो जाएगा, यहां से बाहर हो जाएगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, क्रोमियम। यहां पे आपके पास क्या था, क्रोमियम H2O का होल, यहां पर क्या हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा, सीएल हो जाएगा यहां से, और यहां पर आपके पास क्या हो जाएगा, यहां पे कोबाल्ट और अमोनिया का होल 5, यहां पे अमोनिया का होल 5 दे रखा है, तो ये कॉम्प्लेक्स यहां पे बन जाएगा। और यहां पे देखिए आपका प्लस 2 है, और प्लस 2 है तो प्लस 4 आपके पास ऑक्सीडेशन स्टेट बन जाएगा। ठीक है, अब यहां पर फिलहाल जो है वो क्रोमियम यहां पे प्लस 2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, और कोबाल्ट जो है वो प्लस 3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। तो इस स्टेप में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा, क्रोमियम से इलेक्ट्रॉन निकल करके एक इलेक्ट्रॉन का यहां पे ट्रांसफर होगा, और क्रोबाल्ट किसमें चला जाएगा, प्लस 2 की फॉर्म में चला जाएगा। अब H2O का होल 5 हो गया, यहां से क्रोमियम आ गया है, और किसमें क्रोमियम चला गया, प्लस 3 में इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडाइज किया, तो सीएल आ गया है यहां पे, यहां पे ये सीएल हमारे पास हो गया है। ठीक है, और यहां पे जैसे ही मेरे पास सीएल जुड़ गया तो ये मेरे पास कोबाल्ट हो गया, यहां पे अमोनिया का होल 5 हो गया, और ये मेरे पास किसमें आ चुका है, रिड्यूस होकर के प्लस 2 में बन चुका है, और ये प्लस 4 आ गया। ठीक है, अब देखिए यहां से आपके पास कोबाल्ट जो है वो D7 आपके पास बन गया है, D7 हाई स्पिन, और D7 अगर हाई स्पिन होगा, कोबाल्ट प्लस 2 होगा, तो ये आपका कैसा होता है, लेबाइल होगा, और ये आपका कैसा होगा, इनर्ट होगा। अब इनर्ट की तरफ से बॉन्ड होगा तो वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा, इसका मतलब यहां से ये क्या हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा। तो ये एक तो कॉम्प्लेक्स यहां पे क्या बन गया हमारे पास, क्रोमियम यहां पे H2O का होल 5, Cl यहां पे कोबाल्ट, क्रोमियम किसमें है, यहां पे प्लस 3 में है, तो ये क्रोमियम प्लस 3 में, और ये हमारे पास क्या बन गया, कोबाल्ट CO का होल 5, यहां पे अमोनिया का होल 5, अमोनिया का होल 5, और क्रोमियम किसमें है, प्लस 2 ऑक्सीडेशन स्टेट में। ठीक है, अब यहां से इसका हाइड्रोलाइसिस होगा, इसका हाइड्रोलाइसिस होगा, तो ये किसमें हो जाएगा, यहां पे बन जाएगा CO H2O का होल 6, यहां पर ये मेरे पास, और प्लस 2 ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, तो ये रैपिड हाइड्रोलाइसिस की जो बात की गई है वो इसकी बात की गई है, यहां पर रैपिड हाइड्रोलाइसिस। ठीक है, और यहां पर जो वाई बन रहा है वो वाई ये बन रहा है, आप देख सकते हो यहां से ये हमारे पास आंसर आ जाएगा, यहां से भाई यही तो बना है भाई, यहां से ये मेरे पास यहां पे इनर स्पेयर रिएक्शन इसको कहा जाता है, इसको कौन सी रिएक्शन कहा जाता है, इनर स्पेयर रेडॉक्स रिएक्शन बोला जाता है। तो यहां पर क्या ये बातें आपको समझ में आ गई है, सभी बच्चे बोल दीजिए भाई, क्लियर है सारी बातें, किसी को भी यहां तक कोई प्रॉब्लम है तो बोलिए, आगे बढ़ जाओ मैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, फटाफट से सभी बच्चे बता दीजिए, यहां पर CSIR दिसंबर 2015 के एग्जाम में ये सवाल पूछा गया है दोस्तों, CSIR दिसंबर 2015 के एग्जाम में सवाल पूछा गया है, फटाफट से सभी बच्चे यहां पे आंसर कर दीजिए। हाँ बिल्कुल सही है अंकिता, बहुत बढ़िया, कुसुम बिल्कुल सही है, सभी बच्चे बहुत ही अच्छा कर रहे हैं यहां पे, चलिए बहुत बढ़िया, सभी बच्चे बहुत ही बेटर कर रहे हैं भाई। यहां पे देखिए, यहां पे ये तनाव बेसुगो डायग्राम से आपके पास रिलेटेड सवाल पूछा गया है, ये सवाल कब पूछा गया था, दिसंबर 2015 के एग्जाम में सवाल पूछा गया था, तनाव बेसुगो यहां पे डायग्राम से रिलेटेड यहां पर ये सवाल पूछा गया है। ठीक है, क्या कहा है, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट तनाव बेसुगो डायग्राम के बारे में यहां पे सवाल किया गया है। तो पहली स्टेटमेंट दोस्तों क्या कहता है, E by B is plotted against यहाँ पे del O by B, बिल्कुल सही बात है यहाँ पे, ये तो सही स्टेटमेंट है। जीरो पॉइंट एनर्जी इज टेकन टू द लोएस्ट टर्म, बिल्कुल सही है, यहाँ पे अगर हम यहाँ पे जब डायग्राम बनाते हैं तो यहाँ पे जो सबसे लोअर एनर्जी का टर्म होती है, सबसे लोएस्ट जो एनर्जी की टर्म होती है वो यहीं पर जीरो पे ही रखते हैं हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं, तो ये भी स्टेटमेंट सही है। यहाँ पे क्या कह रहा है, नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या कह रहा है, टर्म ऑफ द सेम सिमेट्री क्रॉस ईच अदर, बिल्कुल गलत बात है, सेम सिमेट्री की रिपेल करते हैं, क्रॉस नहीं करते हैं, अगर मान लीजिए दो सेम सिमेट्रिक आते हैं तो आपस में रिपेल करेंगे, क्रॉस नहीं करेंगे यहां पे, तो यहां से आपके पास ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगी, क्रॉस नहीं करेंगे। ठीक है, डिफरेंट सिमेट्री की दो स्पिन क्या करती है, क्रॉस करती है, और सेम सिमेट्री की क्या करती है, रिपेल करती है। टू टर्म ऑफ द सेम सिमेट्री अपॉन इंक्रीजिंग ऑफ लिगेंड फील्ड स्ट्रेंथ बेंड यहां पे अपार्ट फ्रॉम ईच, बिल्कुल सही बात है, यहां पे अगर दो टर्म आपके पास सेम सिमेट्री की हैं तो उनके बीच में यहां पे क्या हो जाएगा, रिपेल करेंगे, रिपेल होंगी तो यहां पे उनकी स्ट्रेंथ जो होगी वो बढ़ेगी, और यहां से इनके बीच में गैप भी बढ़ जाएगा, तो यहां पे आप क्या कह सकते हो, ए बी डी आपके पास यहां पे करेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगी, ए बी डी जो होगी यहां पे आपकी करेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगी, तो यहां से सी आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा, सी जो होगा वो आपका दोस्तों यहां पर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर आ जाएगा। क्या इस बात को आप समझ पाए कि नहीं समझ पाए, सभी बच्चे बता दीजिए भाई, क्लियर है यहां तक, किसी भी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है तो बोल दीजिए भाई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां पर फिर से CSIR दिसंबर 2015 के एग्जाम में सवाल पूछा गया था,
आप सभी बच्चे यहां पर आंसर कर दीजिए। 3 इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन एट 14,900, 22,700 एंड 34,400 पर सेंटीमीटर आर ऑब्जर्व इन दी एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम ऑफ सी आर एफ 6-3 द डेलो वैल्यू एंड देयर कोरस्पॉन्डिंग ट्रांजिशन आर। यहां से आपके पास क्या कहा है, डेलो वैल्यू पूछी गई है। तो डेलो अगर मेरे पास यहां पे देखिए, यहां पे क्या दे रखा है, क्रोमियम प्लस थ्री में दे रखा है। क्रोमियम प्लस थ्री मतलब D3, D3 का मतलब यहां पे क्या हो गया, टू होल ट्रांजिशन। यहां पे कौन सा ट्रांजिशन होगा, टू होल ट्रांजिशन की बात हो रही है भाई। यहां पे किसकी बात हो रही है, टू होल ट्रांजिशन की। तो अगर मेरे पास टू होल ट्रांजिशन में डेलो पूछता है तो हम कहते हैं डेलो इज कस्टम क्या होता है, न्यू वन के इक्वल होता है। अगर मेरे पास टू होल ट्रांजिशन की कहानी की बात करता है तो हम क्या कहेंगे, यहां पे डेलो इक्वल्स टू में क्या हो जाएगा, न्यू वन। और दूसरा डेलो आपसे सवाल क्या कर सकता है, यहां पे दूसरा जो सवाल कर सकता है वो आपसे पूछ सकता है टू इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन, टू इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन की बात कर सकता है। और अगर टू इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन की बात करता है तो डेलो इक्वल्स टू में होता है न्यू वन माइनस में, सॉरी न्यू थ्री माइनस में न्यू वन, न्यू थ्री माइनस न्यू वन। ये आपका हो जाता है किसमें, यहां पे आपका जब मेरे पास यहां टू इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन की कहानी होती है तब टू इलेक्ट्रॉन की ट्रांजिशन की कहानी होगी तो ये होगा हमारे पास, और टू होल ट्रांजिशन की कहानी होगी वो तो ये हो जाएगा न्यू वन। अब यहां पे न्यू वन कौन सा है ये हमें बेसिकली चेक करना है। अब यहां से हम कैसे करते हैं, ईओ रूल की मदद से यहां पर हम आंसर निकाल लेते हैं। ईओ रूल क्या होगा भाई, यहां पे अगर हम बात करें ईओ रूल की तो ईओ क्या होगा, यहां पे टू होल है तो ये मेरा चेंज हो गया, यहां पे ऑक्टाहेड्रल, ओ का मतलब ऑक्टाहेड्रल। तो यहां पे अगर ईओ में दोनों चेंज हो जाते हैं तो जैसा आपके पास स्पेक्ट्रा बनता है वैसा ही रहेगा। अगर यहां पे एक चेंज हो जाए दूसरा सेम रहे तो यहां पे बदल जाता है, ठीक है। अगर मैं बात करता हूं यहां पे स्पेक्ट्रा बनाने की तो मैं कहूंगा यहां पे सबसे नीचे तो कौन होगा भाई, 4F, और फिर हमारे पास 4P होता है, राइट। अब 4F में यहां पे चेंज हो जाएगा तो यहां पे 4A2G हो जाएगा, फिर कौन होगा यहां पे 4T2G हो जाएगा, फिर कौन होगा यहां पे 4T1G हो जाएगा, T1G ऑफ F हो जाएगा, और ये हमारे पास सेम सिमेट्री होगी तो यहां पे 4T1G आपके पास P हो जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास सेम सिमेट्री हो जाएगी तो पहला जो ट्रांजिशन होगा वही हमारे पास टू होल में क्या हो जाता है, न्यू वन होता है। तो यहां से ये मेरे पास क्या हो गया, न्यू वन, ये न्यू टू हो गया, और ये मेरे पास न्यू थ्री हो गया। ये न्यू वन हो गया, ये न्यू टू, और ये मेरे पास न्यू थ्री हो गया। तो न्यू वन क्या होगा, जिसमें सबसे कम वेव नंबर की होगा, और सबसे कम वेव नंबर यहां पे किसमें है, ये 14,900, मतलब यही हमारे पास क्या है, न्यू वन है। और ये हमारे क्योंकि सबसे कम एनर्जी यहां पर रिक्वायरमेंट है और सबसे कम एनर्जी चाहिए तो न्यू वन हो गया, और यही हमारे पास क्या हो जाएगा, डेलो हो जाएगा। तो हमारे पास आंसर क्या होगा, 14,900, और ट्रांजिशन कहां से होगा, 4A2G से 4T2G में ट्रांजिशन हो रहा होगा, 4A2G से 4T2G में, और 14,900 यहां पे हो जाएगा। तो ये हमारे पास बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 4A2G से 4T2G और 14,900 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हाँ बिल्कुल सही है सभी का, ठीक है। बी आपका जो होगा यहां पर क्या हो जाएगा दोस्तों, करेक्ट आंसर हो जाएगा। बी जो होगा वो क्या हो जाएगा, यहां से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, फटाफट सभी बच्चे बता दीजिए। ये भी CSIR दिसंबर 2015 के एग्जाम में सवाल पूछा गया था, CSIR दिसंबर 2015 के एग्जाम में दोस्तों यहां पे सवाल पूछा गया था आपसे। तो फटाफट से सभी बच्चे यहां पर आंसर कर दीजिए कि करेक्ट आंसर क्या होने वाला है। देखिए यहां पर क्या कहा है, पॉसिबल टर्म सिंबल आपसे यहां पर सवाल जो किया गया है वो पॉसिबल टर्म सिंबल बताना है ऑफ एक्साइटेड स्टेट ऑफ सोडियम एटम विद द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, यहां पर 1s2 2s2 2p6 3p1 ये आपके पास कॉन्फ़िगरेशन दे रखा है। तो यहां पे आपका कॉन्फ़िगरेशन क्या दे रखा है भाई, यहां पे 1s2, यहां पे 2s2 2p6 3s2, ये आपके सामने यहां पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3p1, ठीक है। ये आपका इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट का दे रखा है, और एक्साइटेड स्टेट का दे रखा है तो यहां से आपके पास क्या होगा, 3p की अगर हम बात करेंगे क्योंकि 2p तो ऑलरेडी फिल है, तो यहां पे इसका तो हम यहां पे करेंगे क्या इसका, तो ये हमारे पास यहां पे बन गया, यहां से ये हमारे पास हो गया। अब इसमें कितना इलेक्ट्रॉन भरना है, 1। अगर मैं L की वैल्यू की बात करूंगा तो L हमारे पास क्या हो जाएगा, L यहां पे ये +1 हो गया, ये 0, ये -1, राइट। ये मेरे पास L बन जाएगा, तो यहां पे L की वैल्यू कितनी आ गई, यहां से +1 आ जाएगी भाई, 1 हमारे पास यहां पे L जो होगा वो क्या हो गया, यहां से दोस्तों +1 हो गया, ठीक है। अब बात किसकी की जाती है, S की। अगर S की मैं बात करूं तो यहां पे +1/2 स्पिन होगी, तो S इज इक्वल टू में यहां पे एक इलेक्ट्रॉन के लिए क्या हो गई, +1/2, तो यहां पे 1/2 हो गई स्पिन। अब यहां से हमें यहां पे टर्म सिंबल निकालना है,
ट्रम सिंबल में क्या होगा, यहाँ पे जो हमारे पास ट्रम होती है उससे यहाँ पे वो स्पिन मल्टीप्लिसिटी होगी और फिर यहाँ पर नीचे हमारे पास जे वैल्यू होती है, ऐसे तो निकालते हैं हम ये नहीं तो यहाँ से हमारे पास स्पिन मल्टीप्लिसिटी की अगर हम बात करते हैं तो क्या हो जाएगा, टू इंटू में हाफ प्लस वन हो गया, तो यहाँ से आपके स्पिन मल्टीप्लिसिटी कितनी आ गई, टू आ गई। दूसरा हम यहाँ पे ट्रम की बात करेंगे तो एल क्या है, वन, अगर एल वन है तो इसके लिए क्या हो गया, पी हमारे पास यहाँ अगर मेरे पास एल क्या हो जाए, जीरो हो जाए, वन हो जाए, टू हो जाए, थ्री हो जाए, तो जीरो के लिए एस हो गया, वन के लिए पी ट्रम हो गई, यहाँ पे टू के लिए डी ट्रम हो गई और थ्री के लिए एफ ट्रम हो गई। तो यहाँ पे अगर एल की वैल्यू वन आई है तो यहाँ पे ट्रम क्या हो जाएगी भाई, पी हो जाएगी, यहाँ पे ट्रम आपकी पी आएगी, स्पिन मल्टीप्लिसिटी कितनी आ जाएगी, टू आ जाएगी। जे वैल्यू क्या होती है, जे वैल्यू होगी हमारी एल एल से एल माइनस एस से लेकर के एल प्लस एस तक हो जाएगी। अगर मैं L की मैं बात करता हूं दोस्तों तो L कितना दे रखा है, यहाँ पे 1 दे रखा है, तो 1 माइनस में हाफ से लेकर के कहां तक हो जाएगी, 1 प्लस हाफ तक हो जाएगी। तो यहाँ पे 1 माइनस हाफ क्या हुआ, हाफ हुआ, तो J वैल्यू हमारी पॉसिबल कौन कौन सी होगी, हाफ, और यहां से 1 प्लस हाफ क्या हो गया, 3 बाई टू हो गई, तो ये मेरे पास बन गई। तो यहां से दो टर्म निकल के आ जाएंगे, टू पी, एक तो 1 बाई टू और एक मेरे पास 2p, एक 3 बाई टू, ये दो टर्म यहां पे आ जाएंगी। तो ये हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, यहां से करेक्ट आपका आंसर हो जाएगा। क्या इस बात को आपको समझ में आया कि नहीं आया, ये बात मुझे बता दीजिए। यहां से 2p हाफ और 2p 3 बाई टू हमारा यहां पर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, मतलब यहां से बी जो होगा वो हमारे पास यहां पर करेक्ट आंसर आ जाएगा। हाँ, बी जो होगा वो आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, यहां से करेक्ट आपका आंसर हो जाएगा। क्या इस बात को आप समझ में आया कि नहीं आया, किसी भी बच्चे को यहां तक कोई प्रॉब्लम है तो बता दीजिए भाई, क्लियर है यहां तक सारी बातें, आगे बढ़ जाऊं मैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, ये भी सवाल जो है वो सीएसआईआर दिसंबर 2015 के एग्जाम में पूछा गया था, आप मुझे इसका आंसर बता दीजिए यहां पर क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा ये आप मुझे बता दीजिए। क्या कहा है, दी सिमेट्री अलाउड एटॉमिक ट्रांजिशन अमंग दी फॉलोइंग इज, यहां से सिमेट्री अलाउड के लिए अगर हम बात करते हैं तो हम कहते हैं डेल एस इज कस्ट टू में जीरो होना चाहिए और डेल एल कितना होना चाहिए, यहां पे प्लस माइनस वन होना चाहिए। अगर ये मेरे पास ट्रांजिशन यहां पर होगा तो हम कहेंगे यहां पे ट्रांजिशन जो होगा अलाउड होगा, अदरवाइज नहीं होगा, स्पिन चेंज नहीं होनी चाहिए। तो स्पिन तीन से अगर वन जा रही है स्पिन मल्टीज तो यहां चेंज हो गया तो आंसर नहीं होगा, यहां से थ्री जा रहा है तो ये हो सकता है। एल की वैल्यू प्लस माइनस वन होनी चाहिए, एल एफ के लिए कितना होता है, थ्री होता है, एल डी के लिए कितना होता है, टू होता है, तो ये तो हमारा आंसर हो जाएगा क्योंकि इस पे यहाँ पे डेल एल कितना हो जाएगा, थ्री से माइनस टू कितना हुआ, वन ही हुआ। यहाँ पे अगर हम बात करें तो थ्री से वन स्पिन ही चेंज हो गई भाई, थ्री से थ्री होना चाहिए, यहाँ पे चेंज नहीं होनी चाहिए तो ये गलत हो जाएगा। यहाँ पे भी स्पिन मेरे पास क्या है, सेम है, स्पिन सेम है, पर यहाँ पे एल की वैल्यू की अगर मैं बात करूं तो एफ के लिए थ्री हो गया, P के लिए कितना होता है, वन होता है, तो यहाँ पे डेल एल कितना हो गया, प्लस माइनस टू हो गया, मतलब ये हमारे पास करेक्ट आंसर नहीं होगा। तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, यहां से B जो होगा वो आपका दोस्तों यहां पर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर आ जाएगा। B जो होगा वो क्या हो जाएगा दोस्तों, यहां से करेक्ट आपका आंसर हो जाएगा। क्या ये सारी कहानी आपको समझ में आई कि नहीं आई, यहां तक किसी भी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है तो बता दीजिए भाई, यहां तक किसी भी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है तो बता दीजिए। मैंने दिसंबर सीएसआईआर 2015 तक हमारे पास क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व कर लिए हैं, नेक्स्ट जो सेशन होने वाला है उसमें हम बात करेंगे 2016 से लेकर के फिर आगे बात करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा सेवंथ जो आपका पार्ट था, इस सेवन पार्ट में हम 2011 से लेकर के 2015 तक के हमने क्वेश्चन डिस्कस कर दिए हैं और इन 5 साल में लगभग आपके पास एवरेज जो है वो 5 से 7 सवाल जो है कोऑर्डिनेशन के पूछे गए हैं अभी तक जितनी भी हमने बातें की हैं, क्योंकि हर सेशन में हमारे पास 10 से 15 रखे समथिंग यहाँ पर क्वेश्चन, में 15-17 क्वेश्चन में आपके सामने लेके आ रहा हूँ, ठीक है। आज तो हमारे पास 18 क्वेश्चन मैंने यहाँ पर आपको डिस्कस करवा दिए हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि मिनिमम 5 से 7 जो क्वेश्चन है वो पर ईयर आपके पास या पर एग्जाम में आप कह सकते हो आ रहे हैं, ठीक है। ईयर में तो लगभग 10 से 15 सवाल जो है वो पर ईयर आपके पूछे जा रहे हैं, ठीक है। 15 अप्रैल से आप सभी बच्चे जानते भी हो यहाँ पे कि हमारा ऑनलाइन और ऑफलाइन का बैच आ रहा है, ऑनलाइन एंड ऑफलाइन का बैच आ रहा है, तो जो भी बच्चे इंटरेस्टेड हैं यहाँ पे तो ज्वाइन कर सकते हैं, जेम में भी, ठीक है, नेट में कर सकते हो और गेट में कर सकते हो, ठीक है। इनमें आप सभी बच्चे ज्वाइन कर सकते हो, जो रिकॉर्डेड लेना चाहे तो रिकॉर्डेड ले सकते हो। सीएसआईआर जून जो है, सीएसआईआर जून रिकॉर्डेड जो है वो आपका बहुत ही मिनिमम अमाउंट में कर दिया है, 999 में ही आपका पूरा कोर्स अवेलेबल हो जाएगा, ठीक है। अगर आप एग्जाम बूस्टर 3.0 आप लेते हो, अवेल करते हो, तो 149 पे आपको मिल जाएगा।
ये क्वांटा केमिस्ट्री क्लासेस वाले ऐप पे है, और ये आपका क्वांटा पॉइंट ऐप को आपको डाउनलोड करना होगा, वहां से आपको ये कोर्स परचेज कर सकते हो, जिसमें आपको 3000 प्लस आपको क्वेश्चन लगभग मिलने वाले हैं। ठीक है, तो ये सारी बातें थी आज के सेशन में। अगर फिर भी किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम रह जाती है तो मैं यहाँ पे अपने कॉन्टेक्ट नंबर लिख देता हूँ, उन कॉन्टेक्ट नंबर पर कॉल करके आप मेरे से पूछ सकते हो कोई भी इंक्वायरी हो या किसी से भी रिगार्डिंग। 8285815185 इस नंबर पर आप कॉल कर लेना है अगर कोई भी प्रॉब्लम आपको आती है तो। ठीक है, चलिए आज के लिए दोस्तों इतना ही रहने वाला है, मिलेंगे फिर नेक्स्ट सेशन के अंदर। थैंक यू सो मच, ऐसे पढ़ते रहे, मेहनत करते रहे और आगे बढ़ते रहे। बाय बाय, टेक केयर। ठीक है, अपने जितने भी दोस्त हैं उनको जरूर शेयर जरूर किया करो भाई। ठीक है, अपने जितने भी दोस्त हैं फ्रेंड सर्कल उन सभी को शेयर जरूर किया करो। ठीक है, और शाम को 7 बजे सेशन रख रहा हूं मैं, उस सेशन में आप लोग सभी बच्चे जरूर पहुंचना है उस सेशन के अंदर। ठीक है, वो काफी इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग काफी अच्छा सेशन रहने वाला है। ठीक है, तो आप जरूर उस सेशन में आना है। थैंक यू सो मच।